और इधर दाल भी बन गया है और आलू भिंडी की सब्जी बनेगी। तो नाश्ता पानी हो जाने के बाद अब दोपहर का खाना बन रहा है और इधर तरबूज मंगाया है तो इसको कट करके रख देते हैं फ्रिज में, जिससे कि ठंडा हुआ रहेगा तो खाने में ठीक लगेगा। इतनी हैरानगी होगी आप सभी को, हमारे घर में किसी को तरबूज पसंद नहीं है, मुझे तो पसंद है तो तन्नी से मंगाई हूँ। सिर्फ फ्रिज में कट करके रख देंगे, ठंडा हो जाएगा तो खाने में अच्छा लगेगा। इस तरीके से ये वाला काम तो हो गया, ऐसे रख देते हैं फ्रिज में। फटाफट से भिंडी आलू काट लेते हैं सब्जी के लिए, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, कुछ कीड़े भी होते हैं। खाने में है चावल दाल और आलू भिंडी की सब्जी, चलते हैं खाना निकाल लें। हल्का सा दाल लेंगे, ये तन्नी के लिए है। खाना पीना हो जाए, खाना पीना होकर मेडिसिन भी लेंगे, कल नहीं लिया था मैंने, तो चलिए खाना एंजॉय करते हैं। इतनी गर्मी हो रही है, खाना खाने का भी मन नहीं हो रहा है। और चिप्स तन्नी तो नहीं खाएगी तो तन्नी को देंगे। ठंडा हो गया है, फ्रिज में मैंने रखा हुआ था, काफ़ी ठंडा हो चुका है। काला नमक इस तरीके से छिड़क कर, और ये सीजनल फल है, खाना चाहिए। तरबूज खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हमारे बच्चों को तो पसंद नहीं है। एक बार बच्चों से पूछ भी लेते हैं, एक बार बच्चों से पूछ लेते हैं खाएंगे तो ट्राई करते हैं। लोगी बायल क्या कर रही है, चोरी पकड़ा गया तुम लोगी, चाहिए निखिल तो एक बैठ लो। तन्नी तन्नी लोगी एक बाइट लो, एक बाइट, ओनली वन ओनली वन, हटो बैठना तो पहले एक एक टेस्ट कराते हैं, इन लोगों को टेस्ट कराते हैं। खाना तो है नहीं, टेस्ट करके देखे, अच्छा लगे तो खाएंगे लोग। देखो इसको बहुत प्यार आ रहा है, मुंह नहीं धोई है, मांगे ना लिपस्टिक लगा दी है। टेस्टी है, लो निखिल, इन लोगों को पसंद नहीं है, खाने के बाद पता चलेगा कैसा होता है, कभी खाते ही नहीं है लोग। लो पायल एक तुम भी लो, एक पीस लो तुम भी, टेक इट। ले निखिल लगी ले ना ना, नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है, पानी दो तो क्या प्रॉब्लम है, लेगी
एक पीस लो और लो लो, हम खा लेते हैं क्योंकि बहुत नखरे हैं। एक पीस ले और लेना, ये लोग खाते ही नहीं है। मुझे तो ये काफ़ी पसंद है लेकिन बच्चों को पसंद नहीं है क्योंकि घर में आता ही नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा बचपन में खाया है इस वजह से हमें ये पसंद है। ये स्किन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है, बॉडी को हाइड्रेट रखता है, तो ये तो लेना ही चाहिए। वाटरमेलन या फिर तरबूज जो भी बोलिए, बहुत ही बढ़िया होता है गर्मियों में खाना। तो अभी हो गया शाम का टाइम और शाम का जो भी रूटीन रहता है वो देख लेते हैं। और अभी लगातार सूचना मिल रहा है टीवी चैनल से कि साइक्लोन आएगा, तूफान आ सकता है, बारिश हो सकता है, तो चलते हैं ऊपर देखते हैं क्या नुकसान होने वाला है, उसको हम ठीक करके रख लेते हैं। मेरा सारा सामान तो बिखरा पड़ा है बाहर ही, इधर उधर लकड़ी जलाने का सामान जो ईंधन होता है सारा कुछ मेरा बाहर बिखरा पड़ा है, तो उसी को समेट कर रखते हैं। चलिए मेरे साथ, लाइट ऑफ कर। देखिए निखिल पौधों में पानी लगा रहा है, तो इधर सब देख लेते हैं क्या नुकसान होगा। ये हमको लगता है भीग जाएगा यदि बारिश आया तो, इसको अच्छे तरीके से कवर करना होगा। ये मैंने बनाया था ओवन जिससे लिट्टी भी बना सके और अगर कुछ ग्रिल करना हो तो वो भी कर सके। एक दिन ही बस मैंने लिट्टी बनाया था, बाकी दिन तो मौका ही नहीं मिला और सारा विंटर निकल भी गया। तो अभी लेकर आ गए हैं चाय और सारा सामान को हमने जैसे समझ में आया वैसे मैंने अरेंज कर दिया है, देखते हैं कितना बच पाता है। सारा को मैंने ढक दिया है और इधर सारा कुछ मैंने साइड कर दिया है, खाली खाली पॉट है, मिट्टी है और लकड़ियाँ वगैरह हैं, वो सारा को इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया है। भीगेगा तो ज़रूर, बचेगा नहीं, जितना भी बच जाए बचे, बाकी का क्या कर सकते हैं, रखने का अभी जगह नहीं है। ये सब बाकी रह गए पौधे और ये सब लगाया हुआ उजड़ ना जाए। सब बोल रहे ना तूफान आएगा, साइक्लोन आएगा, देखो सनसेट होने वाला है। नहीं मिला समोसा, क्या करने गई थी, समोसा का इंतजार कर रहे थे, समोसा भी नहीं मिला, दुकान बंद है। पायल दीदी बोलो कपड़ा सारा उतार ले, कपड़ा उतार ले, चाय लेकर चले आए हैं। ये क्या कर रही हो तुम तानी, यहाँ पर मैगी पार्टी हो रहा है, छत पर बैठे हैं मस्त, इधर तुम्हें बना रही है मैगी और इधर हम सभी एंजॉय कर रहे हैं शाम का स्नैक्स, चाय मोरी। इधर निखिल भी आ गया है अपना बोरिया बिस्तर लेकर, तो शाम को बहुत ही मस्त हवा चल रही है। देखिए हवा तेज चल रही है, सब बोल रहे हैं कि साइक्लोन आएगा। देख छत पर हो रही है मैगी पिकनिक, उधर सबके लिए निकाल रही है, सबके लिए परोस रही है। मेरा में से एक बूंद भी बचूंगा, कौन सा मेरा कौन सा तुम्हारा है। और अभी रात के लिए सब्जी काट लेते हैं, सब्जी में लौकी का सब्जी बनाएंगे। और इधर पायल सोई है, तन्नी पढ़ाई कर रही है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। छत पर ही बना लेंगे छोटे वाले स्टोव पर। चलिए इसकी कटिंग करते हैं। और छत पर बना रहे हैं लौकी की सब्जी, कितना बढ़िया ये बन रहा है इधर, और हमको हवा भी लग रहा है।
रसोई घर में तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इतना गर्मी हो रहा है। तो यहाँ पर पानी छूटा हुआ है और थोड़ा सा पानी भी हमने डाला है इसमें। बहुत लोगों को ये लौकी की सब्ज़ी पसंद नहीं आता है, लेकिन हम सभी को तो लौकी की सब्ज़ी रोटी के साथ अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा सा मिठास इसमें रहता है इस वजह से। अब ये पकेगा, पानी छूटा हुआ है, ये पानी सूख जाएगा। ढक देते हैं, आराम से पक रहा है। और देखिए हवा कैसे चल रही है, देख सकते हैं। ऐसे ढक देते हैं तो कुछ इसमें गिर जाएगा। बीच बीच में हवा रुक जा रही है, लेकिन ऐसे हवा है यहाँ पर। नीचे से तो ठीक है, नीचे बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, उमस है। चलिए इसे पकाते हैं इस तरीके से।